नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS हिंदी में। देखिए, अब तो आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है और अब अपनी तैयारी को एक नया स्पीड दीजिए और तेज़ कीजिए अपनी इस तैयारी को। और जो भी अभी तक आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हो, ऑप्शनल या कुछ भी मेंस के लिए पढ़ रहे हो, उस सब को छोड़ के अब सिर्फ़ और सिर्फ PT फोकस्ड हो जाइए। और देखिए, मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि चार ही चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। पहला आपका क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद दूसरा क्या है, बायो, ठीक है, बायो। फिर तीसरी चीज़ है आपकी करंट। ये तीन चीज़ें हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जहाँ से भी पढ़े हों, चाहे स्पेक्ट्रम से पढ़े हों या फिर घटना चक्र सॉल्व किए हों, उन्हें आप बार बार रिवाइज कीजिए। इन मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशियंट, इतना कर लीजिए। नया कुछ भी मत करने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप मिडवेल हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको अब करने का। आप मॉडर्न हिस्ट्री कीजिए और एंशंट हिस्ट्री कीजिए। फिर उसके बाद देखिए बायो कीजिए। बायो में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप घटना चक्र का चाहे पॉइंटर सुन लीजिए, हमारी सीरीज चल ही रही है पॉइंटर की, और सिर्फ वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। आप पॉइंटर बस पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, वही बहुत है। करंट अफेयर के लिए देखिए, राज होलकर सर की नोट्स बहुत ही अच्छी है और उसी को हमारे चैनल पे कवर किया गया है, तो आप उसको बढ़िया से सुनिए और चीज़ों को याद कर लीजिए कम अच्छे से। और देखिए, जो करंट ज़्यादातर क्वेश्चन किससे आएंगे, अक्टूबर और नवंबर महीने के करंट अफेयर से, तो देखिए वो भी हमारे चैनल पे आपको जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। कंटेंट पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो उसे तो ज़रूर ही देखिएगा। फिर उसके बाद चौथी चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद सर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर आप देख ले रहे हैं तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने जाएगा। अब देखिए, मिनिमम आप क्या कर सकते हैं, ये तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अगर आपके पास समय है, 16 दिन का समय तो वैसे भी है, 16-17 दिन का, तो अगर आप पहले पढ़े हैं तो चीज़ों को कर लीजिए। लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री, घटना चक्र कीजिए, प्लस इम्तियाज़ अहमद, ये दो, एक चीज़। दूसरा आप बायो कीजिए, एकदम मिनिमम बता रहे हैं, इतना आप अगर करते हैं तो श्योर सिलेक्शन है। बायो, करंट, राज होलकर सर, और चौथा पूरा इम्तियाज़ सर में आप कुछ नहीं तो अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लेते हैं तो भी बहुत है। इम्तियाज़ के ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र, बायो पॉइंटर, करंट अफेयर राज होलकर, सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेते हैं फिर भी आपका डेफिनेटली सिलेक्शन है। तो अभी से एकदम आप कमर कस लीजिए और सिलेक्शन एकदम निश्चित है आपका, और उस बिल्कुल होगा आपका। बस पढ़ाई करते रहिए, 16 दिन में बस नींद चैन खो के लग जाइए एकदम। चलिए, ज्ञान की बातें बहुत हो गई आज, और हालांकि ज़रूरी भी था क्योंकि अब एडमिट कार्ड आ गया, तो आपकी अपनी तैयारी तेज़ कर देनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उनको कहते हैं जो हार्मोन्स का सेक्रीशन करती हैं, हार्मोन्स स्रावित करती हैं उनको अंतःस्रावी ग्रंथि करती हैं। और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जो देखिए इसमें हार्मोन्स करता है वो क्या करता है, आप एक मिनट, हाँ, तो वो क्या करता है आपका, एंजाइम का सिक्रीशन करता है। और एक चीज़ होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन करता है, उसको हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। ये रहा बेसिक है, चलिए आइए अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सुमेलित क्या है, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन निकलता है, और अधिवृक्क से कार्टिसोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से सुमेलित करना है, प्रोजेस्टेरोन किससे, गर्भाशय महिला से संबंधित है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, अंडाशय से, जो कि पुरुष में होता है, और ये मेल सेक्स हार्मोन है। एंड थायरॉक्सिन किससे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएँ तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर रहने की प्रवृत्ति होती है, इसका क्या कारण है, उसका कारण है अग्नाशय के हार्मोन्स ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अग्नाशय के जो हार्मोन्स हैं वो शर्करा कश के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं, और अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, इंसुलिन।
इंसुलिन ही शर्करा का सांद्रण का नियंत्रण रखता है, इसीलिए जिनको डायबिटीज़ हो जाता है उनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है और उनके ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अग्नाशय से दोनों हार्मोन्स निकल रहे हैं, तो इसमें और डिटेल में अगर जाते हैं तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, बीटा कोशिका से, ठीक है, और अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। तो ये बेसिक चीज़ भी जानते रहिए, अब आजकल क्वेश्चंस थोड़ा अलग तरीके से आ रहे हैं तो ये भी पूछ सकता है। बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित क्या करता है? सिक्रेटिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स क्या है? एक पेप्टाइड। पेप्टाइड्स देखिए क्या होता है, जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें अमीनो, एक चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, तो ये उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। तो इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन है। और तो आपका इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, बिल्कुल सही बात है, और उदक में डायबिटीज़ वाले व्यक्ति वेसोप्रीन के अतिशय स्राव से ग्रस्त होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। वेसोप्रीन जो होता है इसको ADH हार्मोन कहते हैं, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इसका इससे कोई लेना देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है अल्कोहल, कारण बता रहा है, अल्कोहल के अति ग्रहण से शरीर में वेसोप्रीन का स्राव बढ़ जाता है, ये गलत बात है, उल्टा होता है, वेसोप्रीन का स्राव घट जाता है। देखिए वेसोप्रीन क्या करता है, ये आपके मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसलिए क्या है, जब वेसोप्रीन की मात्रा घट जाती है तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका यहाँ पे उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टेमिन, इंसुलिन में से किसकी कमी से मनुष्य मधुमेह? इंसुलिन। ठीक है, और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिका। ठीक है, और स्पेसिफिक हो जाते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से। ठीक है, मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? अग्नाशय में। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, और पादप हार्मोन क्या नहीं है? इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, जंतु हार्मोन है। अब देख लेते हैं पादप हार्मोन क्या है, जिब्रेलिन है, देखिए इथिलीन है और साइटोकाइनिन है। ठीक है, जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन, ये फल को पकाने के लिए, और साइटोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है हमें, डहेलिया के जड़ों से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ, यकृत में। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में, और फिर उसके बाद जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। माँ और शिशु के बीच गले लगाना और चूमना प्रेरित करता है क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक तरह, इसको बोलते हैं लव हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है, कैरोटीन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन एंड कोलेजन में प्रोटीन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन क्या है, ये हार्मोन है। नेक्स्ट है, वह ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करता है क्या करता है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो क्या है? परावर्टु। परावर्टु मतलब ये पैराथायराइड ग्रंथि। अब देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि क्या है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड क्या क्यों कहते हैं? अब देखिए मास्टर क्या करता है ना, नियंत्रण रखता है किसी चीज़ों पर, तो ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के सक्रियता को नियंत्रित करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे क्या करता है ये, कुछ ऐसे पीयूष ग्रंथि कुछ ऐसे हार्मोन्स का निकालेगा जिसकी वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रेरित होती हैं अपने हार्मोन्स निकालने के लिए, और फिर उससे कोई कार्य होता है, तो इसलिए पीयूष ग्रंथि हमारे मास्टर ग्लैंड है। लेकिन जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए क्या? ऑक्सीटोसिन। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? एबिसिक अम्ल, एबिसिक एसिड। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। थायरोक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन। और कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। और इसी की कमी की वजह से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
कथन कारण है हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर जिसको बोलते हैं घेघा रोग सामान्य बीमारी है, सही बात है, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन और एक क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन क्या है, TSH। अब देखिए ये TSH कहाँ से स्रावित हो रहा होगा, ये हो रहा होगा पीयूष ग्रंथि से, क्योंकि यही पीयूष ग्रंथि से TSH निकलेगा तब जाके थायरॉक्सिन से थायराइड से थायरॉक्सिन निकलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं कि थायरॉक्सिन टेस्टोस्टेरोन इंसुलिन एंड एड्रेनिल हार्मोन्स में से आयोडीन है थायरॉक्सिन में। अब ये सम्मिलित करना है, एड्रेनिल क्या है उसकी वजह से क्रोध भय और खतरा ये सब भावनाएं आती हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों से संबंधित है, उनका हार्मोन्स है। इंसुलिन है ग्लूकोज से संबंधित है, उसके नियंत्रण रखता है। फेरोमोन क्या है, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने के लिए है। नेक्स्ट है लड़ो और उड़ो हार्मोन क्या कहलाता है, कौन सा है, एड्रेनेलिन। उड़ो लड़ो और उड़ो मतलब हो गया फाइट एंड फ्लाई, इसको बोलते हैं एड्रेनेलिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और उस समय अचानक से कोई क्रिया करते हैं और वहाँ से फूट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना, ये देखिए एड्रेनेलिन, इसी को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में होता है, हाइपोथैलमस में। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है कहाँ से, पुटिका से, ठीक है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से बताना है कि कौन इसमें क्या बताना है कि तुलना में बहुत कम ही मात्रा में इसमें कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब देखिए पहला कथन बोलता है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, ये देखिए कोई वृद्धि हार्मोन है, जी हाँ बिल्कुल सही है ये। फिर उसके बाद चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट आपके सही थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब इसमें सुमेलित क्या होना है, हार्मोन एक टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, एंजाइम लाइपेज एक एंजाइम है, फॉस्फोलिपिड लेसिथीन एंड बहुलक पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीमर। नेक्स्ट देखिए इन कथनों पर विचार करना है और बताना है ये किसके गुण हैं, तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहले ही स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाना चाहिए था। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत, यकृत जो है ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, अग्नाशय, तो ठीक है, तो सीधा हमको आंसर मिल गया कि ये अग्नाशय के बारे में बोला। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर भी स्टेटमेंट, जो अग्नाशय इसका रस है वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है और वह क्षारी होता है, तो अग्नाशय रस जो होता है वो कैसा होता है, क्षारी होता है, ठीक है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यकृत पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और गुर्दे में से मनुष्य के शरीर में वाहिनीहीन क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं उसमें वाहिनी विहीन होती हैं वो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम फॉस्फेट को कौन विनियमित करता है, पैराथायराइड ग्रंथ, पैराथायराइड जो है वो कैल्शियम रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है और थायराइड क्या करता है, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए यहाँ रखा यकृत और दूसरे नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी। नेक्स्ट है इनमें से कौन है जो अंगों में से पित्त का संचय होता है, कहाँ पे, पित्ताशय में, पित्त का संचय पित्ताशय में। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट याद रखिए, निर्माण होता है यकृत में और संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए HCl के मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन का उत्पादन होता है, सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट है वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में छोटी आंत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, स्टेटमेंट सही है। ये दो स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों से के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके, वह पदार्थ क्या था, एक वृद्धि हार्मोन था जिसे टाइवा कहते थे, TIVA कहते हैं, ठीक है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है, एथिलीन, ठीक है, फलों को पकाने में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन, एथिलीन एसिटिलीन दोनों ही यूज होता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन एबिसिक अम्ल और एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, देखिए ये रहा एथिलीन,
तो एथिलीन एसिटिलीन आपके दोनों हो गए। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है आज का अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कारिकी। कारिकी भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपी करती हैं क्या, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और नृशंस प्राणी कौन सा है, व्हेल। नेक्स्ट देखते हैं हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क में से वह भाग जो शरीर में ताप को नियंत्रित करता है तो क्या है, फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट मानव सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, औसतन 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और उसी को जब हम सेल्सियस में करते हैं तो आता है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर देख रहे हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो तीनों सत्य हैं, देख लेते हैं। टेप वार्म जो होता है फीता क्रीमी व उभयलिंगी होता है, ये स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, और कंफ्यूजिंग है फिर भी इसको ध्यान रखिएगा, चौथा तो गलत है। फीता क्रीमी जो टेप वार्म होता है वो उभयलिंगी होता है, राउंड वार्म जो होता है वो आपका के अलग अलग लिंग होते हैं, और फाइलेरिया जो सूत्र क्रीमी से होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसको जानने की ही जरूरत नहीं है। तो फिर से देख लेते हैं, टेप वार्म उभयलिंगी, राउंड वार्म जो है उसका एक अलग लिंग, और फाइलेरिया जो है वो सूत्र क्रीमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। घटपड़ी, अमरबेल, ब्लेडरवर्ट और सूरजमुखी में से परिजीवी क्या है, अमरबेल। हम लोग इससे पहले पढ़े ही थे। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है कि इसमें तना काट से उसको काट के लगा देते हैं तो वैसा ही पौधा नहीं बनता है। फिर देखते हैं निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए, इनमें से वह पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किया जा सकता है, तो देखिए चारों ही स्टेटमेंट हमारे, चारों ही जो पेड़ हैं वो सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही है। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीकी द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, खुद भी किए होंगे आप लोग। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीकी द्वारा किया होता है, किया जाता है, बिल्कुल सही, ये तो जरूर ही किए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मस्तिष्क में ही आपका एक भाग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन कारण, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई प्रकाश में नहीं सोना चाहता, लेकिन क्या कारण है उसका, ये देखिए, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट उल्टा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट हम देखेंगे रोग एवं उपचार। देखिए आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सीरीज़ को भी हमारे कंप्लीट कर लीजिए, और आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।